हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रोन एलडीसी क्लासेस। सर कैंड्रोन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग संटिंग मास्टर के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, होम एंड एलएसएस लास्ट स्टॉप सिग्नल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर संटिंग। कहता है संटिंग के लिए होम सिग्नल और जो लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है उसका यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, संट सिग्नल बिलो स्टार्टर सिग्नल शोज नो लाइट इन ऑन स्पेक्ट। कहता है संट सिग्नल जो है अगर स्टार्टर सिग्नल के नीचे लगाया गया है तो ऑन स्पेक्ट में कोई लाइट उसमें नहीं जलता है। क्वेश्चन नंबर 63, द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस सिग्नल इज येल्लो। डिस्टेंस सिग्नल का जो नॉर्मल एस्पेक्ट होता है वह येल्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 64, इन नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल शोज ग्रीन। कहते हैं इन नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल शोज ग्रीन। नॉर्मल एस्पेक्ट जो होता है ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल का वो हरा दिखाता है। क्वेश्चन 65, द ऑन एस्पेक्ट ऑफ कॉलिंग ऑन सिग्नल इज नो लाइट। कहता है कॉलिंग ऑन सिग्नल का जो ऑन एस्पेक्ट है वो उसमें कोई लाइट नहीं होता है। क्वेश्चन 66, द ऑफ एस्पेक्ट ऑफ कॉलिंग ऑन सिग्नल इज मिनिएचर येल्लो लाइट। वहीं कॉलिंग ऑन जो ऑफ एस्पेक्ट में होगा तब उसमें मिनिएचर येल्लो लाइट, एक छोटा सा येल्लो लाइट जो है पीला रोशनी जो है जलता है। क्वेश्चन नंबर 67, इफ हॉट एक्सल नोटिस द ट्रेन शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। अगर ट्रेन में हॉट एक्सल नोटिस किया जा रहा हो तो गाड़ी को जल्दी रोक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, इफ द फायर नोटिस इन द ट्रेन शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। अगर गाड़ी में कोई आग देखा हो, कहीं नोटिस किया जा रहा हो, तो उसको ट्रेन को जल्दी ही रोकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, द ऑन एस्पेक्ट ऑफ SPI इज नो लाइट। SPI जो है ऑन एस्पेक्ट में उसमें कोई लाइट नहीं रहता है। क्वेश्चन 70, द ऑफ एस्पेक्ट ऑफ SPI इज येल्लो क्रॉस लाइट। वहीं SPI जब ऑफ एस्पेक्ट में होता है तो उसमें येल्लो क्रॉस लाइट जलता है। क्वेश्चन नंबर 71, द स्पीड ऑफ इंजन संटिंग इज 15 km/h। कहता है इंजन संटिंग का जो स्पीड होता है वो 15 km/h होता है। क्वेश्चन नंबर 72, द स्पीड ऑफ हैंड संटिंग इज 5 km/h। हैंड संटिंग का जो स्पीड होना चाहिए वो 5 km/h होता है। क्वेश्चन नंबर 73, द स्पीड ऑफ ट्रेन वाइल रिसीविंग ऑन कॉलिंग ऑन सिग्नल इज 15 km/h। जब गाड़ी को कॉलिंग ऑन सिग्नल के द्वारा रिसीव किया जाता है तो उस कंडीशन में उसका स्पीड होता है वो 15 km/h की रफ्तार होता है। क्वेश्चन नंबर 74, द स्पीड ऑफ ट्रेन वाइल रिसीविंग ऑन SPT इज 15 km/h। जब वहीं गाड़ी को SPT के द्वारा रिसीव किया जाएगा तो उस कंडीशन में भी जो ट्रेन का गति है, स्पीड है, वो 15 km/h होता है, 15 km/h की रफ्तार होता है। क्वेश्चन 75, द स्पीड ऑफ ट्रेन वाइल रिसीविंग ऑन T/3693B इज 15 km/h। जब किसी ट्रेन को T/3693B अथॉरिटी के द्वारा रिसीव किया जाएगा तो उस कंडीशन में भी उस ट्रेन का जो गति होगा वो 15 km/h की रफ्तार होता है। क्वेश्चन 76, ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन गेट बैनर फ्लैग शुड बी प्लेस्ड एट 5 m फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। कहता है कि ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान जो है जो गेट बैनर जो फ्लैग लगेगा वह ऑब्स्ट्रक्शन से, उस रुकावट से, उस बाधा से 5 m की दूरी पर लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन गेट 1 detonator शुड बी प्लेस्ड एट 600 m। कहता है गेट में जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो तो उस कंडीशन में जो डिटोनेटर पहले लगाया जाएगा वो 600 m के दूरी पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन गेट 3 detonators टू बी प्लेस्ड एट 1200 m। कहता है जब गेट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस दौरान जो 3 detonators लगेंगे वह 1200 m की दूरी पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 79, द नॉर्मल लाइफ ऑफ डिटोनेटर इज 5 years। डिटोनेटर का जो सामान्य उम्र होता है वो 5 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 80, द एक्सटेंडेड लाइफ ऑफ डिटोनेटर इज 8 years और उस डिटोनेटर्स के एज को 8 सालों तक एक्सटेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, द नॉर्मल लाइफ ऑफ फ्यूजी इज 7 years। फ्यूजी का जो सामान्य लाइफ होता है वो 7 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 82, एक्सटेंडेड लाइफ ऑफ फ्यूजी इज एनी नंबर ऑफ ईयर्स। कहता है फ्यूजी के लाइफ को कितना साल तक जो है एनी नंबर ऑफ ईयर्स में जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, हॉट एक्सल सिग्नल गिवन बाय वेविंग रेड फ्लैग वाइड आर्क अक्रॉस द चेस्ट। कहता है हॉट सिग्नल का जो इंडिकेशन होता है वह रेड फ्लैग को जो है चेस्ट के अक्रॉस जो है बड़े आर्क में जो है फैला कर दिखाकर बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84,
हॉट एक्सेल सिग्नल ड्यूरिंग नाइट गिवन बाई वेविंग रेड लाइट वाइड आर्क अक्रॉस द चेस्ट। वहीं अगर रात में हॉट एक्सेल का इंडिकेशन दिखाना हो बताना हो तो रेड लाइट जो है आर्क मैनर में जो है चेस्ट के अक्रॉस दिखाया जाता है। क्वेश्चन 85 पार्टिंग सिग्नल गिवन बाई वेविंग वाइट लाइट अप एंड डाउन ड्यूरिंग नाइट। पार्टिंग जब ट्रेन में पार्टिंग होता है विखंडन होता है ट्रेन जब टूट जाता है उसका इंडिकेशन जो है लाइट को वाइट लाइट को ऊपर नीचे करके दिखाया जाता है रात में। क्वेश्चन 86 एंकल कॉक इज प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक वैगन्स फॉर आवर सेफ्टी। कहता है एंकल जो कॉक होता है उसको एयर ब्रेक वैगन में दिया जाता है वो हमारे सुरक्षा के लिए होता है सेफ्टी के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 87 फीड पाइप इन वाइट कलर। फीड पाइप जो होता है वाइट कलर में होता है। क्वेश्चन नंबर 88 ब्रेक पाइप इन ग्रीन कलर। ब्रेक जो पाइप होता है वो ग्रीन कलर में होता है हरे रंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 89 कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट द व्हीकल्स। कपलिंग जो है उसका उपयोग होता है व्हीकल को जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 90 इंजन शुड बी स्टॉप्ड एट 20 मीटर्स बिफोर अटैचिंग टू फॉर्मेशन। कहता है इंजन को जो है 20 मीटर पहले रोका जाता है ताकि जो है उसको अटैच किया जा सके जोड़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 91 फोर स्किट्स यूज्ड व्हाइल स्टेबलिंग ए ट्रेन। एक ट्रेन को रोकने के लिए स्टेबल करने के लिए चार स्किड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 टू सेफ्टी चेन्स यूज्ड व्हाइल स्टेबलिंग गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन को स्टेबल करने के लिए दो सेफ्टी चेन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 93 वन सेफ्टी चेन यूज वाइल स्टेबलिंग EMU ट्रेन। एक EMU ट्रेन को स्टेबल करने के लिए एक सेफ्टी चेन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 94 वॉकी टॉकी शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग सन्टिंग। सन्टिंग के दौरान वॉकी टॉकी का यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 हॉट एक्सेल ट्रेन शुड बी रिसीव्ड ऑन मेन लाइन ओनली। हॉट एक्सेल जो ट्रेनें होती हैं उसको मेन लाइन पे ही सिर्फ रिसीव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 GRS इशूड बाई रेलवे बोर्ड। GRS जो है रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 सब्सिडियरी रूल्स इशूड बाई ऑथोराइज ऑफिसर। सब्सिडियरी जो रूल्स होते हैं वो ऑथोराइज ऑफिसर द्वारा जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ साउथर्न रेलवे इज PCOM। साउथर्न रेलवे का जो ऑथराइज ऑफिसर है वो PCOM है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर हैं। क्वेश्चन नंबर 99 SWR मीन्स स्टेशन वॉकिंग रूल्स। SWR का मतलब होता है स्टेशन वॉकिंग रूल्स। 100 क्वेश्चन नंबर 100 GWR मीन्स गेट वॉकिंग रूल्स। GWR का मतलब होता है गेट वॉकिंग रूल्स। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ जो है संटिंग मास्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं। तो सर कैंट्रॉन LDCE क्लासेस में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।